हम इस समय मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर पर, राकेश टिकैत हमारे साथ हैं। राकेश जी, आज कैबिनेट की बैठक है, उस बैठक में कहीं ना कहीं ये निर्णय हो सकता है कि बिल वापसी को लेकर, रिपील को लेकर उस पर मोहर लग जाएगी और इसके बाद संसद जो सत्र होगा उसमें बिल खत्म हो जाएगा, उसको लेकर आपका क्या कहना है? और हम इसीलिए तो बैठे यहाँ पे, ये खत्म होने चाहिए। जो और डिमांड है MSP की, उस पर भी आज ही बात कर लो और उस पर कहाँ फेर बुलाते फिरेंगे। आज सारे काम निमटा ले और 29-30 तारीख में हमें जवाब दे। मतलब आज सारे काम निमट जाए तो कल आप वापसी चले जाएंगे? हाँ, निमटवाओ, निमटाओ, पहले निमटा दो। सबसे बड़ी लड़ाई तो बिल वापसी की थी, जो नए कृषि कानून भी लाए थे। MSP की भी है, MSP के लिए प्रधानमंत्री ने कहा है कि उसके लिए कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी तो उन्होंने नोट के भी लिए बनाई थी, नोटबंदी के लिए तो कमेटी बनाई नहीं, अपने आप ही कर दिया। इसको भी कर दे, बिल तो कर तो दिया उन्होंने बिल। MSP पे कौन करेगा? जो सस्ते में खरीद हो रही, जो लूट होती है किसान की, उस पर कौन करेगा? मांगे क्या क्या है आपकी, कोई लिस्ट बना रखी होगी? 70 मांगे बताइए। मांग एक है, MSP पे गारंटी कानून दे, जो 750 किसान शहीद हुए उसको कंपनसेशन दे, मुकदमे वापसी हो, अजय टैनी की गिरफ्तारी हो, उसकी बर्खास्तगी हो, ये सारे हैं। सीड बिल है, पेस्टिसाइड बिल है, दूध की पॉलिसी जो लेकर आ रहे वो है, पोल्यूशन है, बिजली है, फसलों के रेट ठीक मिले, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागो, मार्केट रेट पे फसलें बिके, एजुकेशन है, सड़कें हैं, हेल्थ, बस सारी चीजें हैं, क्या बताऊं। MSP ये करे, कमेटी बन जाए भारत सरकार, और जो मुद्दे होंगे उस पर बैठ के बातचीत करते रहे। अच्छा ये बताइए राकेश जी, कि जिस तरीके से अब बिल वापसी तो हो गया लगभग तय है, यह बात आप भी मान रहे हैं, तो क्या कोई रास्ता ऐसा नहीं निकल सकता कि ये आंदोलन खत्म हो जाए? और आश्वासन पे भी आश्वासन ही है, जिसे जिसे एक बैठक के रूप में कहा गया, कमेटी बनाई जाएगी, तो उस पर बात हमारे से ही पूछ रहे, उनसे भी पूछ लो एक आधी बात, वे है कहाँ, हमें मिलवा दो, हम बात कर लेंगे। आप मिलना चाहते हो, एक बैठक करना चाहते हो, आप मिलना चाहते हो, उसमें बातचीत होगी ना, अपना उसमें जवाब देना जनता को, क्या उनको कहना है। पहले वे आपको कहेंगे और आप फिर हमको कहो, भाई बता दो, वे बात कर ले बैठ के, बगैर बातचीत के समाधान नहीं होगा। MSP पे गारंटी कानून चाहिए, करो। जो 750 किसान शहीद हुए उसको कौन देखेगा? ना तो उन्होंने हमें कहा ना आपको कहा, देश की जनता को बता दिया कि बिल वापसी। MSP पे गारंटी कौन देगा? MSP के लिए कमेटी, कमेटी तो 2010-11 की बनी हुई है। ये जब मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, इन्होंने ही उस कमेटी की, अपनी कमेटी की रिपोर्ट को लागू कर दे, कमेटी की जरूरत कहाँ है? जब वकील जिसने वकालत करी हो और सबके केस सुने हो और फाइनल रिपोर्ट लगाई हो, आज वो जज बनेगा तो उसे गवाही की कहाँ जरूरत है? कर अपने फैसले को लागू। किसानों का जब यहाँ आंदोलन शुरू हुआ था तो ये कहा गया था कि जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। बिल तो वापसी हो गया लेकिन घर वापसी अभी तक नहीं हुई। अभी उसमें और भी बहुत मामले थे, वे मामले भी हो जाएंगे तो जब जाएंगे। कुछ ज्यादा लंबा हो गया? नहीं, सर्दी में शुरुआत हुई थी, सर्दी आ गई, आगे सर्दी का गया हुआ, सर्दी में मिलेगा मिलिया, काम हो गया आपका? अभी रह रहा, हाँ, ये या तो ये अब निमटेगा, नहीं तो ये 26 जनवरी से पहले निमटेगा। फिर 26 जनवरी फिर ट्रैक्टर रैली बता दिया क्या है? 26 या तो ये अब निमटा लगे, ये भी नहीं बात कर रहे कि भागेंगे छोड़ के बीच में से, तो ये फिर जाके जनवरी 15 जनवरी के 24 जनवरी के बीच में निमटा का फिर मामला ये। हाँ, इतने सरकार आ जाएगी ठीक काबू। राकेश जी, इतना लंबा आंदोलन कहीं ऐसा तो नहीं किसी बुक वगैरह में नाम लिखवाना चाहते हो कि इतना लंबा आंदोलन आज तक नहीं चला, राजा का नाम कहीं वो चल रहा हो आजकल, आखिरी बादशाह का नाम लिखा जाएगा उसको? तो आखिरी बादशाह कौन? अरे आखिरी बादशाह तो कौन है? आखिरी बादशाह जो आज के बादशाह है वही आखिरी बादशाह है। शाह तो राकेश जी हो रहे हैं, राकेश जी ने कह दिया कि अभी तो वापसी जाना ही नहीं है घर पे। बातचीत से ये सरकार निमटाना चाहती है तो बातचीत से इसको निमटाए।
किसान भाइयों के लिए भी सोचिए, बहुत समय हो गया, सर्दी गई, सर्दी गई थी, गर्मी गई, बरसात चली, फिर सर्दी आ रही है। जो आधे में फसल बेचते हैं उसके लिए किसान आ रहा, और ये बगैर मसलों के समाधान के जाएगा ही नहीं। और हमारे घर के लग रहे हैं यार, 26 तारीख में हमारे गांव के लोग, परिवार के लोग आ रहे हैं, सलाम मशवरा कर लेंगे। उन्होंने ये कह रखा कि हटना नहीं जब तक काम नहीं होगा, उनको समझा लो, वे अगर समझ जाएंगे हम भी समझ जाएंगे, राकेश जी समझ जाएंगे तो सब समझ जाएंगे। कह दीजिए कोई ना है भाई, इनसे पूछ लो ना, ये जाना चाह रहे क्या, ये एक बार कह दीजिए कि घर चले जाओ, एक बार कह दो आपकी भाई कि काम हो गया हमारा, अब मत आओ। चलो काम कहाँ हो गया, आधे में फसल बेच रहे, इनका काम हो कहाँ गया। अभी तो एक बार फिर यहाँ पर जो लोग हैं इकट्ठा होंगे, ये तो अभी ये निमट जाएगा, नहीं तो फिर ये इस साल नहीं निमटना, 2022 में हम भी फसलों के रेट दुगड़े करके चले जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहली जनवरी से तो फसलों के रेट दुगड़े हो ही जाएंगे, तो फिर तो नई डिमांड आ जाएगी ना पहली जनवरी के बाद। तो मतलब विश्वास ये है आपको कि जनवरी में होगा, अभी दुगने रेट हो जाएंगे ना फसलों के भी, तो वो भी ले जाएंगे फिर साथ के साथ ही, और उसके लिए फिर आते फिरेंगे। आज कैबिनेट की जो बैठक होने वाली है उसको लेकर क्या कहना, क्या पता भाई, वो कहीं के उसमें करते हो सकते हो कि वे कुछ और देश में चीजें रह रही हो, सब बेचने की मोहर लगवाते हो। लेकिन रिपील की बात है कि आज, अब हमें नहीं पता ना, जब हो जाएंगे कागज आ जाएंगे जब बताएंगे। अभी कागजों में चाहिए आपको, आपको प्रधानमंत्री की बात पे यकीन नहीं है इसका मतलब? 15 लाख रुपए मिल गए, प्रधानमंत्री ने तो 15 भी कहा था ना, आ जाएगा। और भी बहुत मामले हैं, बात करेंगे। देखिए ये थे राकेश टिकैत, जिनका साफ तौर पे ये कहना है कि बिल वापसी, घर वापसी अभी ऐसा कुछ नहीं है, अभी हम यही हैं, कहीं नहीं जा रहे जब तक MSP पर कानून नहीं बनेगा और गारंटी नहीं मिलेगी। गाजीपुर बॉर्डर से ABP गंगा के लिए मैं शक्ति सिंह। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।